हेलो स्टूडेंट्स, और सब लोग कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल। ओके, आई होप आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे और क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल एंड होने जा रहा है। तो जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप उनके हमारे पुराने लेक्चर्स को सारा देखें और अपने घर में उनकी प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने दो होमवर्क के क्वेश्चंस तो दिए थे, उनसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस मैंने जो दिया था, e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर y। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब dy dx फाइंड करना है। तो क्या मेथड है इस चीज के लिए, हम लोग देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log x माइनस log y। इसको मैंने यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगा के स्प्लिट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इट मीन्स 1 माइनस dy dx। ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है log x का, log x का 1 ओवर x माइनस log y 1 ओवर y, साथ में क्या आएगा dy dx। अब आप देख रहे हैं dy dx किस किस पोजीशन पर है, e की पावर x माइनस वाई, साथ में मुझे मिलेगा dy dx वो भी निगेटिव के साथ, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 ओवर y dy dx। एक क्वांटिटी अब आपको मिल रही है 1 ओवर x, और एक क्वांटिटी यहाँ से मिलेगी निगेटिव e की पावर x माइनस वाई। अब आपका फाइनल आंसर की लुकिंग क्या बन सकती है, dy ओवर dx। इस चीज़ को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 ओवर y माइनस e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस x टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड x। क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। e की पावर, सपोज आपने इसको t लेट किया होता तो आंसर क्या आता, e की पावर t, वो लिख दिया t की वैल्यू। लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या कहता है कि dt ओवर dx भी वैल्यू आएगी, तो उसका डेरिवेटिव हो गया ये log x का 1 ओवर x, log y का 1 ओवर y, साथ में dy dx। बाकी बात आपने, हम लोगों ने ट्रांसफर किया dy dx और बाकी क्वांटिटी को एक साइड ट्रांसफर किया। इसकी लुकिंग ये बन चुकी है। एक एलसीएम ले लेते हैं, dy dx की वैल्यू मिल जाएगी। इस पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो dy dx उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस y मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 माइनस x टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस y, e की पावर x माइनस y डिवाइडेड y, 1 माइनस x e की पावर x माइनस y ओवर x, ओवर x लिखा हुआ है, ओवर x लिखना है, ओवर y इसके साथ है। तो dy dx फाइनल आंसर क्या मिलेगा, y ओवर x को हमने एक साथ लिख दिया, इट मीन्स 1 माइनस x टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस y डिवाइडेड 1 माइनस y टाइम्स ऑफ x माइनस y। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप लोग देख लें, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। क्लास, एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपसे देनी थी कि हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो मेनली बोर्ड क्लासेस के लिए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं IIT की प्रिपरेशन या JEE मेंस, आप सोच रहे होंगे UPTU PTU, किसी की प्रिपरेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत बेसिक न्यूमेरिकल हैं। वो बच्चे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम जो बोर्ड की क्लासेस वाले हैं, जिनको पेपर देना है बोर्ड का। ठीक है क्लास, तो प्लीज़ हम लोग बोर्ड की क्लासेस को अभी हैंडल कर रहे हैं। IIT के लेक्चर्स को देना होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो फ्यूचर की बात है। अभी फिलहाल हम लोग बोर्ड के लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, प्लीज़ आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, ओके, अब मैं इसको रख करता हूँ। अब हम लेते हैं अगला न्यूमेरिकल, वो क्या था, होमवर्क का न्यूमेरिकल था, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 था होमवर्क का, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x, बेस में cos x है, बेस में cos x है, तो लॉग की प्रॉपर्टी एक हम लोग जानते हैं, क्या, लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग a ओवर लॉग b। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ।
इट मीन्स log साइन x ओवर log cos x, और यह है y। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dy dx इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, इट मीन्स log ऑफ cos x होल स्क्वायर। और इसी डिनोमिनेटर के पार्ट को हम लोग स्किप कर देंगे, वो मैंने कर दिया है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। log साइन x का डेरिवेटिव करना है, क्लास बहुत ध्यान से देखना, log साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो cos ओवर साइन क्या होता है, cot x। चाहो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ में वर्क कर लेता हूँ। सपोज आपके पास p लिखा है log साइन x, इसका आपने डेरिवेटिव करना है, तो dp ओवर dx, तो 1 ओवर साइन x आएगा मल्टीप्लाइड बाई साइन x का क्या होता है, cos x। इट मीन्स मैं cot x डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप समझ गए होंगे, तो log साइन x का डेरिवेटिव होता है cot x, क्योंकि 1 ओवर साइन और साइन का होता है cos, तो cos ओवर साइन cot होता है। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर नॉमिनेटर को हम लोग स्किप कर देते हैं, तो log साइन x को स्किप किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई। अब मैं डेरिवेटिव किस पार्ट का करूँगा, इसका, तो आप इसके लिए भी यही फंडा लगाएंगे, तो log समथिंग 1 ओवर समथिंग, इट मीन्स cos आ जाएगा डिनोमिनेटर में, cos का क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, इट मीन्स साइन ओवर cos tan होता है, तो माइनस का tan x आ जाएगा, माइनस का tan x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, बस आपकी लुकिंग क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स log cos x मल्टीप्लाइड बाई cot x प्लस log साइन x मल्टीप्लाइड बाई tan x, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस ने प्लस कर दिया, और जो पार्ट लिखा है वो log cos x होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है आपका क्लास। आप इसको कॉपी कर ली, और ये जो स्टेप बताया था प्लीज आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है, ओके चलो मैं इसको रब करता हूँ। तो आज की क्लास किस टॉपिक पर बेस्ड है, मैं बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा आप लोग कहोगे लॉग तो यहाँ पर भी यूज हो गया, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल के जो फंक्शंस थे उसका डेरिवेटिव हमने कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर लॉग कैसे यूज होता है, तो मैं न्यूमेरिकल उठाता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर वन लॉगरिथमिक एक्सरसाइज है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमेरिकल नंबर वन, इफ y इज इक्वल टू x, x के साथ x प्लस थ्री, x प्लस थ्री पावर टू, x प्लस फोर पावर थ्री, x प्लस फाइव पावर फोर, इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मैं अगर यहाँ पर प्रोडक्ट लगाऊं तो दो को एक साथ ले लूँ फिर एक ले लूँ, प्रोडक्ट पे लोग आके सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा लेंथी है। लेकिन अगर मैं पाँच ले लेता, छः ले लेता, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग क्या करने वाले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आप लोग क्या लिखेंगे, taking log on both side, please आप ये लिखें जरूर, मैं एक बार लिख देता हूँ, बाद में बोल दूंगा आप लोग लिख लेंगे। तो आपने जैसे ही लिखा taking log on both side, it means log y is equal to log x plus 3 whole square, x plus 4 whole cube and x plus 5 power 4, ये लिखा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीजें स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर यूज करना है। दैट मीन्स लॉग एक्स प्लस थ्री उसकी पावर टू वो फ्रंट में आ जाएगी, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर, प्लस फोर टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फाइव। किसी किसी के बच्चे के माइंड में आ रहा हो सर ये 4 3 2 आगे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर ली है। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज कर दी है, log m into n, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया log m माइनस log n, ये वाला फॉर्मूला। और एक और प्रॉपर्टी यूज कर दी, इफ log m की पावर a लिखा है, इट मीन्स a टाइम्स ऑफ log m लिख सकते हैं, तो वही मैंने जो पावर्स थी वो आगे आगे सभी पे लगा दी, और ये लिखा है log y। अब ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बन गया, जिसका आंसर 1 ओवर y dy dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट log समथिंग का आंसर होता है 1 ओवर समथिंग, और इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, तो जरूरत ही नहीं है। 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 फिर से 1, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ये आपके पास सारे आंसर मिल चुके हैं। लेकिन आपका टारगेट क्या था, dy dx कैलकुलेट करने का आंसर है, तो dy dx।
तो वाई की मल्टीप्लाई कर दो तो वाई की पोजीशन पे आप क्या लिखोगे, तो ये पूरा पार्ट लिखोगे, दैट मीन्स एक्स प्लस थ्री इसकी पावर टू, एक्स प्लस फोर इसकी पावर थ्री एंड एक्स प्लस फाइव इसकी पावर फोर, ये पार्ट है। और ये फुल पार्ट आपके पास क्या है, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर एंड फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इतना बड़ा ये इतना बड़ा आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। आंसर इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं, पर न्यूमेरिकल का जो बीस का पैटर्न है, जो ये हेड पार्ट है, ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। बस खाली आपने क्या काम किया, लॉग लिखा, सारी चीजें ब्रेक हो गई। अब लेते हैं क्लास न्यूमेरिकल नंबर टू आज की क्लास का। If y is equal to cos x, cos 2x, cos 3x, cos x, cos 2x and cos 3x, इस टाइप के न्यूमेरिकल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लिया, सारी चीजें स्प्लिट हो जाएंगी, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इसका आंसर होता है 1 ओवर y साथ में dy dx। log cos का आंसर क्या होगा, 1 ओवर cos होता है और साथ में माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस इसका आंसर रहता है 1 ओवर cos 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 2x, प्लस ये माइनस का 2 क्यों आया आगे, क्योंकि cos का नेगेटिव होता है, आ गया 2x का फिर से करना पड़ेगा ना, इसलिए 2 आया। 1 ओवर इसका आ जाएगा 1 ओवर cos 3x मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 3 साइन 3x, आपका फाइनल आंसर की लुकिंग क्या बनेगी, dy ओवर dx y, और y की वैल्यू कितनी आपके पास, cos x cos 2x into cos 3x, और ये आपके पास क्या मिला, माइनस 10 माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है इस चीज का, ये फाइनल आंसर आ गया। कॉपी करना है कर लो प्लीज बेटे। ओके अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे ट्रीट करना है, जैसे ही आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो आपको क्या पैटर्न मिलेगा, दिस इज log y, ये जो पावर है आप जैसे ही आगे log लिखोगे और इतना बड़ा स्क्वायर रूट लगाओगे, बहुत सारी क्वांटिटीज यहाँ लिखेंगी, तो एक्चुअल में स्क्वायर रूट क्या वर्क करवाता है, स्क्वायर रूट करवाता है कि 1 बाई 2 पावर है, और इसका मीनिंग क्या होता है, 1 बाई 2 फ्रंट में आ जाएगा, ये जो पूरा वो लिखा है ऐसे ही आ जाएगा। क्या आप इस पैटर्न को समझ गए मैंने क्या लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा, इट मीन्स 1 ओवर 2 यहाँ पर आ गया और ये लिखा है log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, log y 1 ओवर 2 इन अ ब्रैकेट, इन सभी पार्ट को ब्रेक करूंगा मैं, तो log x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log m इंटू n, तो क्या देता है log m प्लस log n, बट ये जो कंडीशंस जो नीचे लिखी है वो सभी नेगेटिव के साथ आएंगी, पर मल्टीप्लाई में है तो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, तो माइनस log x माइनस 3 ये भी नीचे है, इट मीन्स माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये पैटर्न बन गया। अब ये न्यूमेरिकल बहुत इजी बन चुका है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 1 ओवर y dy dx, 1 बाई 2 को होल्ड करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 1 और इसका आंसर x माइनस 2, 1 बाई x माइनस 2 माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5,
ये पैटर्न आप बिल्कुल वैसे ही लिख दो, इसको आप एलसीएम मत लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे ही आंसर स्किप कर दो। तो डी वाई डी एक्स, वाई की जो वैल्यू आप यहाँ पे ले जाएंगे और वाई की जो इतनी बड़ी वैल्यू वो पूरी लिखेंगे, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ वाई डिवाइडेड बाई टू और इस ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है क्लास, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर की। न्यूमेरिकल नंबर फोर क्या है आज की क्लास का वो भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फोर, इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, होल साइन एक्स की पावर है। अच्छा, माइंड में बच्चों के आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल अगर ऐसा मिल जाए तो साइन एक्स इसकी पावर साइन एक्स लिखा, तब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि एक्स की पावर ये लिखा हुआ है और इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को भी कर लेंगे हम लोग, पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, जैसे लेंगे ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स बच जाएगा। क्या आप लोग समझ गए इस बात को? आप लोग समझ गए, क्योंकि जैसे ही मैंने लॉग लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ लॉग साइन एक्स पावर साइन एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो साइन है वो आगे आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में पावर आगे आ जाती है, लॉग साइन एक्स, ये पार्ट यहाँ पर ये इंटू लगा दो। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि लॉग मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स है क्या? ना, लॉग साइन एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है, साइन एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है। दैट मीन्स वन ओवर वाई डी वाई डी एक्स, साइन एक्स को स्किप किया मैंने, और लॉग साइन एक्स का अगर आपसे बोला जाए डेरिवेटिव बताओ, क्या अब आप बता पाओगे? क्योंकि वन ओवर साइन और साइन का होता है कॉस, दैट मीन्स कॉट हो गया। लेकिन एक बात और है, साइन एक्स बाहर मल्टीप्लाई है, अगर मैं वन ओवर साइन लिखूंगा तो बड़ा इजी नहीं हो जाएगा? मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वन ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, मैंने कॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये चीजें कट रही हैं। प्लस इस टाइम आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, आप कॉमन ले सकते हो। तो डी वाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा? वाई की मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स, ये ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पर, वन मिलेगा और प्लस लॉग साइन एक्स मिलेगा, और आगे क्या है? कॉस एक्स, क्योंकि वो आपने कॉमन लिया पार्ट। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। क्या आप इतना समझ गए बच्चे? ओके, अच्छा एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, इस चीज को कुछ लोग, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है लॉग ई साइन एक्स, ऐसा भी लिखा जाता है, तो आप घबराना नहीं, इसका मीनिंग क्या मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपसे बोला जाए तो लॉग ई प्लस लॉग साइन एक्स आप लिख सकते हैं, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? वन होती है, क्योंकि बेस कितना चल रहा है, किसी भी जगह मैंने बेस नहीं लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया? जब हम बेस नहीं लिखते हैं इसका मीनिंग होता है कि बेस वहां पर ई होगा, क्योंकि चाहे वो ln x लिखे, चाहे वो log x लिखे, और चाहे वो log x टू द बेस ई लिखे, सभी का मतलब एक है। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन लगा के लिख लो प्लीज, इन सभी का मीनिंग एक है। ये नेचुरल लॉग बोलते हैं, यहाँ पर लॉग एक्स बोल दिया, बेस ई है ऑटोमेटिक, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेस ई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, और वन प्लस लॉग साइन एक्स। तो आप समझ गए कि वन प्लस लॉग साइन एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई प्लस लॉग साइन एक्स, और इसका जो रिजल्ट होता है वो लॉग ई साइन एक्स होता है, क्योंकि कभी कभी बुक में ऐसा आंसर लिखा होता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब मैं वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता हूं। इस न्यूमेरिकल को मैं बोल देता हूँ, ये न्यूमेरिकल नंबर है फिफ्थ। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन x, और यहाँ पर x की पावर लिखा है, मतलब एंगल है ये, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? dy ओवर dx, साइन समथिंग का आंसर क्या होता है? cos समथिंग, तो वैसे ही आपने कर दिया cos समथिंग मल्टीप्लाई, जब x की पावर साइन x आ गया तो मतलब इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर आपके पास किसी कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट की पावर फंक्शन आ जाए, तो इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है,
मैंने क्या डिस्कस किया है, इफ y इज इक्वल टू a की पावर x तो dy dx आप क्या लिखते हो, dy dx लिखते हो a की पावर x log a टू द बेस e, आप ये लिखते हो। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का है तो वही, क्योंकि f of x की वैल्यू x लिखी है। सपोज अगर मैं न्यूमेरिकल बनाऊं कि y इज इक्वल टू a की पावर sin x, तो आप आंसर कैसे दोगे, dy dx, a की पावर तो sin x यही मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई लॉग मिलेगा, लॉग ए टू द बेस ई मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स का फिर से मिल जाएगा कॉस एक्स। छोटी सी बात थी, ठीक है। अब आप देखो, हाँ एक चीज और है, एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसकी होल पावर अगर कॉन्स्टेंट मिल जाए, हम ये भी जानते हैं क्योंकि आपने क्या ये न्यूमेरिकल नहीं किया, एक्स की पावर फाइव ये न्यूमेरिकल किया है। अब आप कहते हैं कि सर आपने तो x ले लिया, कुछ और ले लो, तो क्या आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे sin x की पावर 5, हम ये भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन की पावर कांस्टेंट आपको पता है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन आपको ये भी पता था, लेकिन फंक्शन की पावर फंक्शन ये एक्सरसाइज ये है, और फंक्शन की पावर फंक्शन है तब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं, तभी फंक्शन आगे आ जाता है, इनटू लॉग्स फंक्शन हो जाता है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो लेक्चर्स मेरे साथ लगातार देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आप नए हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाइए और लेक्चर्स को, सभी लेक्चर्स को देखिए। ओके, इसका डेरिवेटिव मैंने करना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक्स की पावर साइन एक्स। अब आप क्या करें, यहां लिखें लेट पी इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, और यहां लिखे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स लॉग पी इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स, क्योंकि साइन एक्स आगे आ गया, लॉग एक्स बच गया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि लॉग की एक्सरसाइज काफी टाइम से चल रही है, 10-15 मिनट हो गए। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर पी डी पी ओवर डी एक्स, साइन एक्स को अगर मैं स्किप कर देता हूं तो लॉग एक्स का आंसर आता है 1 ओवर एक्स, लॉग एक्स को अगर स्किप कर देता हूं तो आंसर आएगा साथ में इसके कॉस एक्स, तो डी पी ओवर डी एक्स, और इसका आंसर आएगा p, p की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इन अ ब्रैकेट साइन एक्स ओवर x प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये dp ओवर dx है, और इस पार्ट को आपने बोला था p, इसका मीनिंग हुआ कि यहां पर जो लिखा है वो dp ओवर dx लिखा है, तो आपका फाइनल आंसर की जो लुकिंग बनेगी वो क्या बनेगी, मैं फर्दर उधर पहुंच रहा हूं, dy ओवर dx cos कॉस लिखना है मुझे यहां पर, कॉस एक्स उसकी पावर क्या लिखी है स्टूडेंट्स, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डीपी ओवर डीएक्स, ये जो पोजीशन है वो डीपी ओवर डीएक्स की है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दी जाए तो आपका फाइनल आंसर यही है। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे, और ये पूरी वैल्यू वहां पर जाकर पुट करनी है, वही फाइनल आंसर है। ओके, जल्दी से पुट करो बेटे। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ जल्दी से। ओके, न्यूमेरिकल है आज का, पहला न्यूमेरिकल है होमवर्क के लिए, इफ y इज इक्वल टू log x की पावर log x, आप देखते हैं कितना समझे, log x की पावर log x। सेकेंड न्यूमेरिकल लेता हूँ x की पावर, इफ y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। थर्ड न्यूमेरिकल, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स उसकी पावर 1 ओवर x। तीन न्यूमेरिकल मैं होमवर्क के लिए ले रहा हूं, आप इनको ट्राई करें घर पर बेटे, ठीक है। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।